हेलो यूट्यूब, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वैक्स पॉल के इंजन सेवर ऑयल ट्रीटमेंट प्लस के बारे में। ये जैसे कि आप देख सकते हो 250 ml के पैक में आता है एंड इसका कॉस्टिंग है 310 रुपये, जो कि MRP लिखा हुआ है। बट आप चिंता मत करीजिए, और अगर आप इसको लोकल मार्केट से ख़रीदोगे तो आपको 280 का मिल जाएगा। जैसे कि मैंने एक लोकल शॉप से ख़रीदा है तो मेरे को 280 रुपीज़ का मिला है ये। और इसकी खासियत ये है कि अगर आपके इंजन में थोड़ा बहुत वाइट स्मोक आ रहा है, बहुत ज़्यादा वाइट स्मोक नहीं, थोड़ा बहुत अगर वाइट स्मोक आ रहा है, ऑयल बर्न कर रहा है इंजन, तो अगर आप इसको डालते हो तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है पूरे इंजन में और फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, और जिससे इंजन काफ़ी स्मूथ हो जाता है और इंजन का ऑयल कंजम्पशन भी ख़त्म हो जाता है। सो जैसे कि मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ये उन्हीं इंजन्स के लिए सूटेबल है जिनमें वेयर एंड टेयर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, और मतलब वो उन्होंने धुआं थोड़ा बहुत देना स्टार्ट ही किया है। अगर आपके इंजन में बहुत ही ज़्यादा ख़राबी है और वो बिल्कुल एकदम वाइट धुआं दे रहे हैं, तो आपको इंजन खुलवाना पड़ेगा, आपको आपका इंजन रीबोर करा के पिस्टन रिंगें वो सब आपको बदलाना पड़ेगा, तभी आपका वो क्या कहते हैं इंजन सही होगा, अदरवाइज़ नहीं सही होगा इसको डालने से। पर अगर जैसे थोड़ा बहुत अगर है और अगर आप परेशान हो कि नहीं गाड़ी ऑयल उठा रही है, तो आप इसको डाल सकते हो और आपका इंजन जो है वो ऑयल नहीं उठाएगा। सो इसका डालने का प्रोसीजर ऐसा है कि 1 लीटर पे आपको 50 ml डालना होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये 250 ml है, तो ये मैं 5 लीटर में डाल सकता हूँ। तो अगर आपको कार में डालना है तो आप कार में पूरा ही डाल सकते हो इस पूरे डब्बे को, और अगर आप बाइक में डाल रहे हो तो बाइक में आपको सिर्फ 50 ml डालना है। सो मैं आज इसको अपनी कार में डालने वाला हूँ। मेरी बाइक और मेरी स्कूटी दोनों सही हैं एकदम, एंड मैं मेरी गाड़ी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि ये काफ़ी इंजन को स्मूथ कर देता है और मतलब काफ़ी रेव हैप्पी कर देता है इंजन को। सो मैं इसलिए इसको ट्राई करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे गाड़ी में कोई डिफरेंस आता है कि नहीं आता है। एज़ आई फील कि क्या कहते हैं मेरी गाड़ी में थोड़ा सा इंजन नॉइस होती है चलने में, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में। सो मैं देखना चाहता हूँ कि इंजन नॉइस भी कुछ कम होती है कि नहीं होती है। सो इसको डालने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड इसको डालने के बाद कोई फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। सो मैं फिर इसके बाद आपको यूज़ करने के बाद आपको अपना पूरा प्रोज एंड कॉन्स का वर्डिक्ट पूरा देता हूँ मैं आपको। अभी हम लोग एक टेस्ट करने वाले हैं जिसमें मैं ये ऑयल ट्रीटमेंट बिना डाले अपनी गाड़ी का इंजन ऑन करूँगा, एंड हम लोग नापेंगे कि इसमें अभी के टाइम पे कितना डेसिबल नॉइस है। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने मेरे दूसरे मोबाइल में मैंने ये डेसिबल मीटर इंस्टॉल किया हुआ है। सो ये मैं इसी पोजीशन पे यहीं पर रखूँगा एंड फिर मैं देखता हूँ कि कितना ये पहुँचता है। अभी जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो ये थोड़ा आगे मेरी आवाज़ सुन के ही हो रहा है। तो चलिए मैं कार को ऑन करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कार में चाबी लगा दिया और अब मैं गाड़ी ऑन कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने कार ऑन कर दिया है अभी, तो अभी जाके देखते हैं कि डेसिबल मीटर पे कितना ज़्यादा रीडिंग आ रहा है, क्या रीडिंग है। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो सो अभी मैं आ चुका हूँ अपनी गाड़ी को ऑफ करने के लिए। तो जैसे कि हमने देखा कि ये जो गाड़ी अभी मैंने स्टार्ट किया था, जो एवरेज था मैंने देखा 67 से 71 तक जा रहा था मीटर। सो हम लोग इसको 67 से 71 तक देखेंगे, अगर इससे कम आता है तो इसका मतलब है कि ये कुछ काम कर रहा है, अदरवाइज़ नहीं काम कर रहा है। तो चलिए अब इस ट्रीटमेंट को ऐड करते हैं और उसके बाद
फिर से एक साउंड टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है। इसको अभी खोलते हैं, देखते हैं कि ये कैसा है अंदर से, इसको कैसे खोलें। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है कि इसके टैप को ऊपर को करना है, तो मैंने इसके टैप को ऐसे ऊपर को किया, फिर उसके बाद इसको पुल करना है। तो मैंने पुल किया, देखिए पूरा बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड है। एंड आई फील ये लिक्विड इतने गाढ़ा होने की वजह से ही ये क्या कहते हैं इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ये तभी हर जगह पे कोट हो पाता है ये। तो चलिए अभी मैं इसको डालता हूँ। मेरे पास फिएस्टा गाड़ी है, फिएस्टा गाड़ी में यहीं से ये ऑयल डाल सकते हैं आप। मैंने इसको ये खोल दिया है, मैं यहीं से इसको ऐड करूँगा। तो अभी मैं इसको ऐड करने जा रहा हूँ। एंड जैसे कि आप देख सकते हो विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी है। सो मैं आपको सबको ये बोलूँगा, जो कोई भी इसको ख़रीद के डालने वाला हो इंजन में, थोड़ा केयरफुल रहो एंड थोड़ा पास से ही डालो इसे, क्योंकि अगर आप इसको पास से डालोगे तो आप आराम से ऐड कर पाओगे। देखो ये बिल्कुल एकदम शहद जैसा है, बल्कि शहद से भी ज़्यादा गाढ़ा है। एंड मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको डाल के कुछ देर इस पर ऐसे ही रख देना साइड पे, जिससे ये आराम से पूरा पूरा जा सके उसके अंदर पे। सो मैंने कल इसमें ऑयल डाल दिया था एंड उसके बाद मैं इसको ड्राइव पे लेके गया, क्योंकि इसको डालने के बाद आपको गाड़ी को थोड़ा चलाना होता है, सो दैट वो हर जगह पे स्टिक कर जाए, आपके इंजन ऑयल के साथ में मिल जाए। एंड मैंने इसको काफ़ी देर चलाया, काफ़ी रफ़ भी चलाया कल, अच्छा खासा एक्सेलरेट किया अराउंड 3500 RPM तक। एंड व्हाट आई नोटिस्ड इज़ कि एक तो मैंने एक चीज़ फील की कि जो RPM है इंजन का, जो RPM बढ़ता घटता है, मीन्स जो स्मूथनेस होती है इंजन की, जो ईगरनेस होती है आपकी गाड़ी की, मतलब एकदम से बढ़ने की, एक्सेलरेट करने की, वो इसको डालने के बाद में सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। एंड मैंने इस गाड़ी में इसलिए ट्राई किया, मेरी गाड़ी में, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि ये उस गाड़ी में कैसा परफॉर्म करेगा जिसमें एक्चुअली में इंजन एकदम सही है, नया है, और उसमें क्या फ़र्क आएगा। तो वो चीज़ के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है, बिकॉज़ ख़राब गाड़ी में तो मतलब ऑफ कोर्सली कुछ ना कुछ असर करेगा ही करेगा, बट नए गाड़ी में कितना डिफरेंस फील होता है, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। एंड मैं इसमें आपके साथ वही एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई नोटिस्ड इज दैट कि गाड़ी थोड़ा सा एवरेज ऐसा लगा जैसे ज़्यादा दे रही है, एक्सेलरेट अच्छा कर रही है, और जो RPM है वो रेव रेंज में बहुत आराम से ऊपर नीचे जा रहा है, मींस मतलब फ्रीली इंजन मूव कर रहा है, तो आई कैन क्लियरली फील द स्मूथनेस। बाकी अब बात कर लेते हैं इंजन साउंड की। इंजन साउंड में मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा, वो आपके इंजन में ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मेरा इंजन ऑलरेडी नया है एंड अच्छे से वेल मेंटेन्ड है, तो मेरे को इंजन साउंड में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा है। थोड़ा सा फ़र्क है डेफिनेटली, वो अभी हम लोग फिर से डेसिबल मीटर डाल के अभी चेक भी करेंगे, तो साफ हो जाएगा कि कितना ज़्यादा फ़र्क आया है इंजन नॉइस में। बट पर्सनली मेरे सुनने पे मेरे को बहुत ज़्यादा कोई एज सच फ़र्क समझ में नहीं आ रहा है, सो उसके लिए तो मैं ये नहीं कहूँगा। बट हाँ, अगर आपका इंजन थोड़ा ज़्यादा पुराना है और वेयर एंड टेयर ज़्यादा है, तो ये डालने के बाद में आपको डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें समझ में आने वाली हैं, काफ़ी आपको फ़र्क समझ में आएगा, एंड 280 रुपये काफ़ी वर्थ इट लगेंगे आपको खर्चना। सो चलिए अभी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ मैं, और आगे मैंने मोबाइल रख रखा है, ऐप इंस्टॉल्ड है उसमें, तो उसमें देखते हैं कि अभी ये क्या आवाज़ कर रही है। ठीक है, तो चलिए कार को स्टार्ट करते हैं। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है, तो अभी ये स्टार्ट है, मैं इसका मीटर ऑन करके देखता हूँ। सिग्निफिकेंटली काफ़ी डिफरेंस है। पहले देखो मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं बोलना बंद करता हूँ।
तो जैसे कि आप देख सकते हो, कल जो हमने जो एक एवरेज जो हमें को जो साउंड का दिख रहा था उसमें, वो था 67 से 71 dB तक। और आज जब हमने इंजन चालू किया तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उतना ही है। एंड इसीलिए मैं कह रहा था कि मेरे को साउंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ। आई मीन 1-2 dB मे बी क्या कहते हैं कम हो जाएगा, बट द थिंग इज़ कि साउंड इंजन की एज इट इज़ वैसे ही है मेरी, और मेरे को साउंड में कोई फ़र्क फील हुआ नहीं है। तो आई विल नॉट से कि क्या कहते हैं, अगर आपकी गाड़ी का इंजन अच्छा है, टाइट है, हर चीज़ से मेंटेन्ड है, तो आपको साउंड में कोई एज सच डिफरेंस फील होगा, बट डेफिनेटली आपको इंजन स्मूथनेस फील होगी। आपको ऐसा लगेगा आपका इंजन थोड़ा रेव हैप्पी है, अच्छा चल रहा है, आपको चलाने में मज़ा आएगा, एक्सेलरेट अच्छा करेगा। सो दैट इज़ माई वीडियो रिगार्डिंग वैक्सपॉल इंजन ऑयल सेवर। अगर आप चाहो तो आपके इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए डाल सकते हो। और क्या कहते हैं, अगर आपका इंजन थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, तो डेफिनेटली थोड़ा ये आपके इंजन की लाइफ को थोड़ा बढ़ा देगा, और आपके आप कम खर्चे में काफ़ी कुछ दिन गाड़ी अपनी और चला लोगे। मैं तो इसका वर्डिक्ट यही दूंगा। बाकी अगर आपकी गाड़ी सही है और आप चाहते हो कि आपका इंजन थोड़ा प्रोटेक्टेड रहे, तो आप इंजन ऑयल के साथ में इसको डाल सकते हो अपनी गाड़ी में। तो नुकसान तो ऑफ कॉर्सली कोई नहीं है, बट फ़ायदा ही है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।